पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भोपाल के शौर्य स्मारक चौराहे स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। सीएम शिवराज ने कहा कि अटल अद्भुत नेता थे, उन्होंने देश को विकसित करने की सोच अतुलनीय थी। उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का आज हम संकल्प लेते हैं। ग्वालियर में पूर्व पीएम अटल जी की स्मृति में भव्य स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पूर्व पीएम को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने सकारात्मक राजनीति से न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरे विश्व में उदाहरण पेश किया है। अटल जी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें याद करते हुए उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। अटल जी की तीसरी पुण्यतिथि पर उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हम यही संकल्प लेते हैं कि सरकार के माध्यम से भी और संगठन के माध्यम से भी उनके सोच का संगठन और उनकी कल्पना की सरकार चला के हम जनता का भला कर सकें और वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें उनके चरणों में उनकी स्मृति में बहुत विशाल और भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा ताकि उनकी स्मृतियां उनके कृतित्व उनके काम उनका व्यक्तित्व हमें प्रेरणा दे सके। हम सब लोगों ने देखा है कि इस भारत के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में अटल जी के व्यक्तित्व ने एक राजनेता जो सर्वसमावेशी व्यक्तित्व का राजनेता कैसे हो सकता है, ये अटल जी ने अपने व्यवहार से इस पूरी दुनिया को और इस देश की राजनीति में एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। आज हम सब कार्यकर्ताओं को उनको पुण्यतिथि के अवसर पर राजनीतिक क्षेत्र में जो हम सब मिलकर के काम एक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर काम कर रहे हैं, हम सबको अटल जी को आज याद करते हुए उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर एक संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो काम उन्होंने खड़ा किया है और एक उदाहरण भारतीय राजनीति में उन्होंने जो प्रस्तुत किया है कि सर्वसमावेशी व्यक्तित्व के धनी एक राजनेता के नाते से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हम सब कार्यकर्ता भी उनके कुछ एक दो गुणों को लेकर के अपने इस जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में उनको सीख करके उनको एक आदर्श के तौर पर उन बातों में से कुछ बातें हम भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अटल जी को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से अपनी ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं।